हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपको हमारे इस नए ट्रैवलिंग व्लॉग पे, जहां हम जा रहे हैं ट्रियर, जो कि जर्मनी का एक सबसे ओल्डेस्ट टाउन है और जो जाना जाता है अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए और रोमन कल्चर के लिए। तो चलिए चलते हैं। चुके हैं हमारे घर के नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन में, जो कि है विटलिस बानोव, और यहाँ से हमें डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी ट्रियर के लिए। हमारा सफर एक घंटे का होगा और चलिए अब आपसे हम मिलेंगे ट्रियर में। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई, जो कि हमें डायरेक्ट ले जाएगी ट्रियर हब। आधे घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं ट्रियर के सेंट्रल स्टेशन पे और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे ट्रियर को एक्सप्लोर करना। स्टेशन से निकलते ही हमें एक मॉडल दिखा जिसपे लिखा हुआ था ऑगस्टा ट्रेवोरम। हमने पता किया ट्रियर को इसी नाम से बुलाया जाता था रोमन एम्पायर पे। सिटी सेंटर की तरफ बढ़ते हुए हमें एक मॉनेस्ट्री दिखा, जिसके बगल में हमारे महात्मा गांधी जी का एक बहुत बड़ा स्टैचू दिखा हमें, जिसमें लिखा हुआ था एस गिफ्ट काइनन वेग जुम फ्राइडन देन फ्राइडन इज देयर वेग, जिसका मतलब होता है पीस को पाने के लिए कोई तरीका नहीं है, पीस खुद में ही एक तरीका है। हमें पता चला यहाँ के मेयर महात्मा गांधी जी के थियोरीज को काफ़ी मानते थे, इसीलिए उन्होंने एक स्टैचू बनाया और ये एक पीस का सिंबल है। महात्मा गांधी जी के स्टैचू के बगल में ही एक चर्च था जिसका नाम था सैंक्टा मारिया। ये 1700 के टाइम पे बना हुआ था और ये ट्रियर का इकलौता चर्च है जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डैमेज नहीं हुआ था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ट्रियर के सिटी सेंटर की तरफ। सिटी सेंटर पहुंचते ही हमें एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट दिखा, जो कि ट्रियर डॉम के नाम से फेमस है और इसका असली नाम है कैथेड्रल ऑफ सेंट पीटर। ये 11th सेंचुरी में बना था और इसे फुल्ली रिस्टोर किया गया 1974 में। एंड इसी कैथेड्रल के पास एक म्यूजियम है जहां पर जीसस का होली ट्यूनिक रखा गया है, जो कि एक रोब है उन्होंने अपने लास्ट टाइम पे पहना हुआ था। और इसी म्यूजियम में एक नेल रखा गया है जो कि माना जाता है जीसस के क्रूसिफिकेशन के टाइम पे यूज़ किया गया था। तो चलिए चलते हैं डॉम के अंदर और आपको दिखाते हैं कि अंदर से ये कितना खूबसूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं एंट्रेंस पर डॉम का इंफॉर्मेशन दिया गया है और बताया गया है इसका इम्पोर्टेंस यहाँ के लोगों के लिए। इस चर्च के इंटीरियर को इटालियन क्राफ्ट्समैन ने बनाया है, जो कि काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी सुंदरता से एक एक चीज़ को बनाया गया है। यहाँ पे मेडिवियल एज के काफ़ी सारे फर्नीचर, वॉल स्कल्पचर्स, स्टैचूज को प्रिजर्व करके रखा गया है और मेडिवियल एज में ट्रियर के बिशप्स को इसी कैथेड्रल के नीचे दफनाया जाता था।
कोविड का रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी कम हो चुका है जर्मनी में, इसीलिए टूरिज्म फिर से शुरू हुआ है और बताया जाता है कि ये चर्च करीबन 1.5 साल से बंद था कोविड के चलते। बाहर निकलते ही हमें एक डॉम का मॉडल दिखा जो कि सेम बारीकी और सुंदरता से बनाया गया है। अब चलते हैं सेंट पीटर्स कैथेड्रल के अंदर। इसके एंट्रेंस पे भी काफ़ी अच्छा वॉल कार्विंग और आर्ट किया गया है और अंदर जाते ही हम लोगों ने देखा काफ़ी कलरफुल लाइटिंग्स, जो कि इसके कलरफुल विंडोज़ के थ्रू जब सनशाइन आ रहे थे तो काफ़ी अच्छा लाइटिंग का एक नज़ारा क्रिएट कर रहा था। यहाँ पे आपको रोमन और गॉथिक दोनों आर्किटेक्चर का खूबसूरती देखने को मिलता है। ये कैथेड्रल काफ़ी ऊंचा है और आप देख सकते हैं इतनी ऊंचाई में भी इतना अच्छा खूबसूरती से पेंटिंग किया गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने भी कैंडल्स जला के कुछ ब्लेसिंग्स लिए। तो जैसा कि हमने और आपने देखा रोमन बेसिलिका और चर्च, हमें तो काफी अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और यहाँ आने के बाद हमें यह भी पता चलता है कि ट्रियर एक टाइम पे रोमन कल्चर का कैपिटल हुआ करता था और इसीलिए यहाँ पे हर बिल्डिंग में आपको रोमन इन्फ्लुएंस जरूर दिखेगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं मेन मार्केट की तरफ और हमें एक दिखाया पैटियो और हमें भूख भी लगा, तो चलते हैं कुछ खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं हम क्या खा रहे हैं। तो आज हम खाएंगे चिकन श्निट्ज़ल जो कि यहाँ का लोकल फूड है और ये 15 यूरोस पर प्लेट हमें पड़ा, जिसके साथ सैलड्स और फ्राइज हमें कॉम्प्लीमेंट्री में मिला। खाना खाने के बाद हमें कुछ मीठा खाने का मन किया तो हम पहुंच गए यहाँ के एक लोकल शॉप में जो कि काफ़ी फेमस और काफ़ी पुराना शॉप है आइसक्रीम का। और यहाँ पहुँचते हम लोगों ने देखा काफ़ी भीड़ है, फिर भी हम लोगों ने यहीं से अपना आइसक्रीम लिया। और यह आइसक्रीम हमें 1.5 यूरो पर स्कूप पड़ा। और सिटी सेंटर घूमते घूमते हम पहुंच गए शॉपिंग स्ट्रीट के तरफ, जहां पे लोकल क्राफ्ट्समैन्स अपने हाथ के बनाए हुए सामान जैसे कि ब्रेसलेट, घर सजाने का कुछ मॉडल्स और छोटे मोटे खिलौने बेच रहे थे।
और इसी के साथ हम पहुंच गए पोर्ता निग्रा के एकदम सामने। ये जो बड़ा सा आप मॉन्यूमेंट देख रहे हैं इसे कहते हैं पोर्ता निग्रा, जिसका लैटिन में मतलब है द ब्लैक गेट। इसे रोमन एम्पायर के टाइम पे बनाया गया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोमन मॉन्यूमेंट में माना जाता है ट्रियर का, जो कि 170 AD में बनाया गया था। और इस मॉन्यूमेंट को आज के टाइम पे जर्मनी में उपस्थित सबसे बड़ा रोमन गेट के नाम से भी माना जाता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए ओला पैलेटिना के पास, जो कि बेसिलिका ऑफ कॉन्स्टेंटाइन के नाम से भी जाना जाता है। और ये 4th century के टाइम पे एम्परर कॉन्स्टेंटाइन का भी पैलेस हुआ करता था। और ये पैलेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में भी आता है। और ये ओला पैलेटिना कैथेड्रल अभी अंदर से रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए हमें अलाउड नहीं हुआ अंदर जाने को, लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कैसा दिखता था और हम उम्मीद करते हैं रिकंस्ट्रक्शन के बाद इससे भी बेहतर दिखेगा। और ये कैथेड्रल के पीछे ही है वो पैलेस जो कि मैंने आपको बताया था रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन का हुआ करता था। आप देख सकते हैं ये पैलेस काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत भी है। ये पैलेस के सामने जो गोल्डन कलर का वॉल कार्विंग किया गया है वो माना जाता है सोना का किया गया है। और ये पैलेस भी अभी बंद है, इस पैलेस के अंदर में भी कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है। और ये है ट्रियर एम्फीथिएटर। ये ट्रियर का हिस्ट्री का काफ़ी बड़ा और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। और ये आज के टाइम का 10th लार्जेस्ट रोमन एम्फीथिएटर में से एक है। और रोमन एम्पायर के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट्स और एनिमल शोज हुआ करते थे। अब हम पहुंच गए हैं कार्ल मार्क्स के घर के सामने। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे, इनका जन्म यहीं हुआ था और इन्हें फादर ऑफ कम्युनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। सिटी के सेंटर में ही आपको कार्ल मार्क्स का एक ब्रोंज का स्टैचू मिलेगा जो कि काफ़ी बड़ा है और इसे बनाया गया था 2018 में उनके 200वें जन्मदिन के दिन। कार्ल मार्क्स के स्टैचू को देखने के बाद हमने अपना ट्रियर का सारे मेन लोकेशंस को कवर कर लिया है और अब चलते हैं हमारे घर की तरफ। स्टेशन के तरफ जाने से पहले हमें एक बबल टी का शॉप दिखा, तो हम लोगों ने वहां जाके 2 बबल टी लिए और इसी के साथ हम लोगों ने इस दिन को बहुत अच्छे से स्पेंड किया। ट्रेन पकड़ने के लिए हमारे पास टाइम काफ़ी कम था, तो हमने सोचा क्यों ना बस पकड़ लिया जाए जो हमें 5 मिनट में स्टेशन पहुंचा देगी।
तो हम पहुंच चुके हैं जहां से हमने ये वीडियो की शुरुआत की थी। रात के 9 भी बज चुके हैं और हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।